कुछ दिनों पहले तक प्याज की कीमतों को लेकर देश में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अब प्याज के आयात होने के बाद प्याज की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई है, जिससे अब प्याज किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। और यहाँ प्याज के किसानों के जो उनसे बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्याज के दाम जब अधिक थे तो प्याज माफियाओं ने प्याज का संग्रहण कर लिया था और गोडाउन बना के जिस प्रकार से मामले को उछाला था और प्याज के दाम कम करवाने में शहरी लोगों का हाथ है और उन माफिया लोगों का हाथ है, जिसके कारण केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था और केंद्र सरकार ने दबाव बनाया के बाद प्याज का आयात करा और प्याज के आयात होने के कारण आज किसानों की क्या दुर्दशा हो गई है, लागत मूल्य भी निकल पा रहा है। मंदसौर कृषि उपज मंडी के प्याज मंडी से बात कर रहे हैं, आप बताइए कि आज प्याज क्या भाव गए हैं, क्या भाव बिके आपके? 310 का। क्या लागत निकल पा रही है आपकी? नहीं निकल रही है। नहीं निकल पा रही है? कटे गए पैसा को। क्या कहना है? कटे गए पैसा को। अच्छा, हाँ। क्या भाव बिके आपके प्याज आज? 300। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप इस वक्त 300 रुपए किलो प्याज बिके हैं, भाव जीरो डाउन लेस पे आ चुका है। आप बताइए क्या किसान क्या हालत हो चुकी है? और पहले जो प्याज पहले प्याज 80 रुपए किलो बिक रहे थे तो आप मीडिया वाला आके हमारे रोज आके परेशान करते थे, आप भाव गिरा कोई आए नहीं अभी तक जी। और आप भाव छाप देते कि ये मंदसौर मंडी में 100 रुपए किलो बिका है, 150 बिका है और हमारा भाव दंदन कम कर दिया बाजार मार्केट। हाँ। और ये हालत हो गई, हमें 300-400 रुपए कुंटल लेके जाना पड़ रहा हमको, क्या करें? इससे हमें निवेदन है कि बाहर से माल नहीं मंगवाया जाए। किसानों की मांग है कि जो प्याज केंद्र सरकार ने आयात करा वो आयात के कारण किसानों की कमर टूट चुकी है और आज मंदसौर कृषि उपज मंडी में महज 300 रुपए किलो, 350 रुपए किलो की प्याज बिकी है, क्विंटल से प्याज बिकी है और किसानों की हालत बिगड़ रही है। कैमरामैन पवन हीरिया के साथ रंगलाल धनकर की ये खास रिपोर्ट।